दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक बेहद ही रोचक कहानी सुनाने वाला हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो एक काली भयानक तूफानी रात थी। हल्की बारिश के साथ आंधी चल रही थी और उस आंधी में चारों तरफ एक डरावनी आवाज उत्पन्न हो रही थी। मैं उस डरावनी काली रात में एकदम अकेला था, शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम अकेला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया में एकदम अकेला रह गया हूं। वादी में चारों तरफ एक सफेद ठंडा कोहरा फैला हुआ था जो सामने पहाड़ी से आ रहा था। मैं उस जंगल में इधर से उधर भटक रहा था। वो घना जंगल किसी भूल भुलैया के समान था। उस जंगल में सही रास्ता ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था, मगर अपने दिमाग को टटोलने के बाद मुझे एक रास्ता धुंधला धुंधला सा याद आया। पुराने चपटे पत्थरों का बना हुआ और देवदारों के वृक्षों से घिरा हुआ एक रास्ता जो उस जंगल से बाहर की ओर निकलता था। मैंने वो रास्ता ढूंढा और किस्मत से मुझे वो रास्ता मिल गया। वो रास्ता काफी पुराना था और कम ही लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उस रास्ते में चलते चलते मुझे कुछ दूर एक हल्की मध्यम रोशनी दिखाई देने लगी। मैं उसके करीब पहुंचा तो सफेद धुएं के बीच से मुझे एक घर दिखाई दिया। पुराने जमाने का बेहद ही खूबसूरत घर। आजकल उस तरह के घर देखने को नहीं मिलते। चूने पत्थर का बना हुआ, कला का एक बेहद ही खूबसूरत नमूना। वो घर उस हिल स्टेशन के बाहरी इलाके के जंगल में स्थित था। उस घर में कोई बिजली नहीं थी। घर के बाहर बिजली का एक खंभा था, मगर उसमें लटकती हुई टूटी बिजली के तार को देखकर लग रहा था जैसे उस घर की बिजली काफी पहले ही काटी जा चुकी थी। मगर उस काली अंधेरी डरावनी बरसाती रात में वो घर मेरे लिए खतरों से भरे हुए उस जंगल से ज्यादा सुरक्षित और अच्छा था, और रात बिताने के लिए मुझे इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी। वैसे मेरे पास कोई टॉर्च तो नहीं था, मगर आसमान में छटे हुए बादलों के बीच में से झांकते हुए चांद की रोशनी उस घर के अंदर तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से घर के अंदर थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। और बाहर जंगल में हवा में लहराते ऊंचे ऊंचे पेड़ किसी विशाल काय दैत्यों के समान दिखाई दे रहे थे। मैं तुरंत घर के मुख्य द्वार पर गया और उसे धकेल कर खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वो खुला नहीं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो दरवाजा अंदर से बंद हो। तो मैं उस घर के पीछे गया। वहां मुझे एक आधी टूटी हुई खिड़की दिखी। मैंने उस खिड़की के टूटे हुए हिस्से से अपना हाथ अंदर डाला और उस खिड़की की कुंडी को खोलने की कोशिश की, मगर वो कुंडी शायद जाम हो चुकी थी। सालों साल की मानसून ने उसे जंग से भर दिया था। पर मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने पूरा जोर लगाया और खिड़की को खोलकर ही दम लिया और उससे अंदर घुस गया। मैं अब उस घर के अंदर था। जिस कमरे में मैं था वो एक बड़ा सा कमरा था। खुली हुई खिड़की से उस कमरे में ठंडी हवा आ रही थी, जिससे कमरे के फर्श पर गिरे हुए कागज इधर उधर फैल रहे थे और मेज में रखा हुआ हल्का फुल्का सामान भी गिरने लगा। इसलिए मैंने सबसे पहले उस खिड़की को बंद किया, मगर खिड़की के टूटे हुए हिस्से से अभी भी ठंडी हवा और सफेद धुआं अंदर आ रहा था। अब कमरे में अंधेरा था, इसलिए मैंने अपने बैग से माचिस निकाली और तीन माचिस की तीलियां खराब करने के बाद मैं चौथी तीली जलाने में सफल हुआ। माचिस की रोशनी में मैंने देखा वो एक बड़ा सा कमरा था जिसमें लकड़ी का ढेर सारा फर्नीचर रखा हुआ था। एक कैंडल स्टैंड के साथ कुछ बड़े वास वहां टेबल पर रखे हुए थे, मगर एक कमाल की बात थी कि वहां एक भी मकड़ी का जाला नहीं लगा हुआ था। बाहर से देखने पर तो वो घर ऐसा लगता था मानो जैसे उसे कई सालों से नजरअंदाज किया गया हो और बरसों से उसके अंदर कोई ना आया हो, मगर अंदर से उसकी हालत अभी भी ठीक ठाक थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, मेरी उंगली में फंसी माचिस की तीली बुझ गई। अब उस अंधेरे में मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो देवदार के वृक्षों की लकड़ी का बना हुआ वो फर्श चरमराने लगा। अब मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और तीली जलाकर टेबल में रखे कैंडल स्टैंड की मोमबत्ती को जलाया। जलती मोमबत्ती की रोशनी में मैंने अपने सामने एक और वीरान सुनसान बड़ा सा कमरा देखा।
मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों आज तक किसी ने उस घर के अंदर आने की कोशिश नहीं की, पर मुझे खुशी थी कि मैंने उस घर में घुसने की हिम्मत दिखाई है। अब मैंने हाथ में पकड़े उस कैंडल स्टैंड को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी में कमरे का अच्छे से मुआयना करने लगा। उस कमरे की दीवारों में बड़ी बड़ी पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी। उस कमरे के एक बंद दरवाजे को मैंने खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा खुला नहीं। वो दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। मैंने दरवाजे में दस्तक दी, मगर दूसरी तरफ से कौन ही होता जो उस दरवाजे को खोलता, वहां तो कोई था ही नहीं। मगर फिर भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था मानो जैसे उस घर में लोग हैं जो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं। ये एक अनजाना भय था जो मेरे जहन में बार बार मुझे डरा रहा था। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि कमरे के किसी अंधेरे कोने से, बिस्तर के नीचे से, चिमनी में से कोई नजर मुझे घूर रही है। अब मैं हाथ में कैंडल स्टैंड लिए एक दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे को पार किया तो मैं एक रूम में पहुंचा। वो एक बेडरूम था। मैंने देखा वहां एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था और उसमें से एक आदमी मुझे घूर रहा था। वो मेरा ही प्रतिबिंब था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और हो। उस घर में मैं एक घुसपैठिया था, तो मेरे अलावा उस आईने में और कौन हो सकता है? ये सोचकर मैं कमरे में बाकी चीजों को देखने लगा, मगर जैसे ही मैंने उस आईने से अपनी नजर हटाई तो तभी मुझे अपनी आंखों के कोने से उस आईने में अपने प्रतिबिंब के पीछे कोई और भी दिखा। एक काली परछाई जिसकी आंखें आग के समान चमक रही थी। मैंने चौंक कर वापस आईने की तरफ देखा तो पाया उसमें मेरे प्रतिबिंब के अलावा कोई दूसरा प्रतिबिंब नहीं था। उस एक सेकंड के दृश्य से डर के मारे मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मेरे भीगे हुए कपड़ों से टपकता हुआ पानी अब मेरे पैरों के नीचे था और लकड़ी के फर्श पर जमा हो रहा था। अब मैंने उस बेडरूम में पड़े एक बेड के कोने में बैठकर अपने गीले कपड़े और मोजे उतारे। कपड़ों को निचोड़कर मैंने कुर्सी के पीछे टांग दिया। अब मैं बिना कपड़ों के उस कमरे में खड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ऐसे कमरे में बिना कपड़ों के खड़ा हूं जहां किसी कोने से कई सारे लोग मुझे घूर रहे हैं। मुझे ठंड लगने लगी तो मैं तुरंत उस बिस्तर में घुस गया जो लेवेंडर और यूकेलिप्टस की खुशबू से महक रहा था। उस बिस्तर में कोई तकिया नहीं था, पर मैंने तकिया ढूंढने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उस बरसाती रात में उस जंगल के सफर से मैं बहुत थक गया था। मैंने मोमबत्ती बुझाई और चादर ओढ़कर सो गया। अभी मुझे आंखें बंद किए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे कुछ लोगों की फुसफुसाहट और बुदबुदाहट सुनाई देने लगी। ये आवाजें मुझे अपने चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे बेड के चारों तरफ लोग खड़े हैं और मुझे देखकर आपस में बात कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई चिमनी के अंदर बैठा खांस रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे बगल वाले कमरे में कोई उन पुराने फर्नीचर्स को इधर से उधर सरका रहा हो। और कभी तो मुझे कुछ शब्द सुनाई देते जैसे कोई कह रहा हो, ये आदमी मेरा है। दूसरा कहता, नहीं मेरा है। कोई कहता, ये तो हमारा डिनर है। तो कोई कहता, नहीं ये राहगीर है जो रास्ता भटक गया है। कभी कोई कहता, क्या लगता है इसके पास पैसे होंगे? तभी किसी ने कहा, जब भी किसी को मारना हो तो सबसे पहले उसकी टांगों को रस्सियों से बांध दो। तभी एक ने कहा, सुनो ऐसा करो इसके हाथ पैरों को पलंग से बांध दो और गर्म खौलता पानी इसके ऊपर डाल के इसे मार डालो। ये आवाजें बेहद डरावनी थी, मगर मैंने उठने की हिम्मत नहीं की बल्कि चुपचाप बेड के सिरहाने में रखी माचिस उठाई और झट से एक तीली निकाल के जलाई। जैसे ही मैंने माचिस जलाई वो भयानक आवाजें बंद हो गई। मैंने खड़े होकर कैंडल जलाई और खुद को उस आईने के सामने पाया। मैंने आईने में देखा, उस आईने में मेरे प्रतिबिंब के अलावा मुझे कोई और भी दिखाई दिया। उस आईने में मेरे पीछे एक सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में एक तकिया था जिसे मैं सोने के लिए ढूंढ रहा था। वो लड़की उस आईने में एकदम मेरे पीछे खड़ी थी। तब मुझे याद आया कि ये तो उन दो बहनों में से एक लड़की है जिनकी कहानी मैंने लोगों से सुनी थी। उस कहानी के अनुसार वो दो बहनें राहगीरों को अपने घर लेकर आती और फिर तकिए से उनका दम घोटकर उनका कत्ल कर देती।
उनमें से एक लड़की तकिया लिए एकदम मेरे पीछे खड़ी थी, जिसका प्रतिबिंब मैं आईने में देख सकता था। मैंने झट से पलटकर पीछे देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। मैंने वापस पलटकर आईने में देखा, और इस बार आईने में भी कोई नहीं था। मैं डर कर भागा और वापस उस बिस्तर पर लेट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी अभी मैंने देखा वो सच था या वहम, या मैं कोई सपना देख रहा था, पता नहीं। मगर तभी मैंने देखा वो लड़की एकदम मेरे पलंग के पीछे खड़ी थी। वो एकदम से मेरे ऊपर झुकी। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब था, इतना करीब कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मुझे लोग चलते दिखाई दे रहे थे, जिनमें से एक मैं भी था। धीरे धीरे वो इतना करीब आ गई कि हम एक दूसरे को स्पर्श होने लगे थे। उसका स्पर्श ठंडा था और अब मेरा दम घुटने लगा था। मैंने पूरी ताकत से उस लड़की को अपने ऊपर से हटाने के लिए पूरा जोर लगाया, और एक झटके में मैंने देखा वहां कोई नहीं था। बस एक तकिया था जो मेरे चेहरे के ऊपर रखा हुआ था, और उसी की वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने उस तकिए को हटाया और चादर को भी दूर फेंका, और तुरंत वहां से निकलने की सोची। बाहर की आंधी को तो मैं झेल सकता था, मगर इस घर के अंदर के अदृश्य डरावने लोगों को नहीं, जो मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने फटाफट अपने कपड़े पहने, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंने अपने कपड़े पहन लिए। मोमबत्ती भी लगभग पूरी तरह पिघल चुकी थी और कभी भी बुझ सकती थी, इसलिए मैंने फटाफट अपना बैग अपने कंधे में टांगा और उस घर से भागने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोग और ही दुनिया के थे और मेरा वहां कोई काम नहीं था। मैं उस अंधेरी दुनिया के लिए नहीं था, बल्कि बाहर के उजाले के लिए था। मैंने कैंडल स्टैंड हाथ में लिया और एक बार फिर आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ और उस लड़की को देखने की कोशिश की, मगर उस आईने में मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी दम तोड़ती उस मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाते हुए झट से बुझ गई। उस मोमबत्ती का बुझना मुझे खतरे की घंटी के समान लगा। अब कमरे में अंधेरा हो गया, एकदम गहरा घुप अंधेरा। इससे पहले मैं कुछ और सोच पाता कि तभी कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया, और फिर से दस्तक हुई। मैंने फिर पूछा, कौन है वहां? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने गुस्से में फिर पूछा, कौन है वहां? तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक पतली मुरझाई हुई आवाज आई, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। मैं हिम्मत करके दरवाजे तक गया और उस दरवाजे को खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने कोई खड़ा था। वो कोई सुनहरे बालों वाली लड़की नहीं थी, बल्कि सफेद बालों वाली एक भयानक बूढ़ी औरत थी, जिसकी एक बड़ी सी नाक थी मगर कोई आंख नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसे देखकर मैं डर से थर थर कांप रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस खुले हुए मुख्य द्वार से बाहर की तरफ भागा, और बस भागता रहा। मैंने पीछे पलटकर देखने में भी समय नहीं गवाया, बस जान बचाते हुए भागता रहा। बारिश मेरे ऊपर गिर रही थी, तूफान मेरे कदम डगमगा रहा था, मगर वो बारिश वो तूफान मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। देवदारों के वृक्षों से टकरा के गिर रहे पानी की बूंदों के साथ कीड़े भी गिर रहे थे, जो मेरे कपड़ों के अंदर घुसकर मुझे काट रहे थे, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे बस कैसे भी करके उस घर से दूर और उस जंगल से बाहर निकलना था, सो मैं भागता रहा। घंटों तक भागने के बाद हल्का उजाला होने लगा और मुझे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे गया। मैं तुरंत उस रास्ते से होकर जंगल से बाहर निकल आया। सूरज की पहली किरण मेरे ऊपर पड़ी तो उसकी गर्माहट ने मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाया। पक्षियों की चहचहाहट मेरे कानों में किसी मधुर संगीत की तरह प्रतीत हो रही थी। मैंने पलटकर एक बार फिर से उस जंगल की तरफ देखा। बाहर से देखने पर वो हरा भरा खूबसूरत जंगल लग रहा था, मगर उस जंगल के भीतर कितने गहरे राज दफन हैं, ये कोई नहीं जानता। मैं दोबारा उस जंगल में जाना नहीं चाहूंगा, और सच कहूं तो उस घर के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।